सीरियल नमक इश्क की बात करें तो शो में आप सभी देखने वाले हैं कि रौनक और रूपा आमने सामने होंगे। रूपा ने अबॉर्शन नहीं कराया, वो घर आ जाती है, लेकिन यहाँ रौनक फिर से रूपा को उल्टी सीधी बातें करता है। रूपा साफ कह देती है, आपका रास्ता अलग हो चुका है और मेरा रास्ता अलग, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगी और आप अपने हिसाब से। यहाँ पर रौनक भी ये कहता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम लोग के साथ चलना, तुम लोग जी की जंजाल हो, तुम भी और तुम्हारा बेटा भी। ये कहने के बाद रौनक वहाँ से चला जाता है। अब रूपा मन ही मन सोचती है कि क्या उसने ये बच्चा रखकर गलत तो नहीं किया। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि युग ने रात में आइसक्रीम खाई थी, इसकी वजह से युग की तबीयत खराब हो गई है और युग बहुत खास रहा है। अब यहाँ पर जो गुंजन है वो चाय बनाने की बात करती है तो कहानी काढ़ा पीने की। अब दोनों आपस में लड़ जाते हैं। फिर कहानी बोलती है कि कोई बात नहीं गुंजन, तुम चाय पिला लो, 5 मिनट के बाद मेरे पास आएंगे तो मैं काढ़ा पिला दूंगी। अब यहाँ पर कहानी चली जाती काढ़ा बनाने के लिए, लेकिन पीछे से रौनक आ जाता है और रौनक फिर से कहानी से कहता है कि तुम कभी मेरे लिए भी ये सब किया करो, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम मेरा सच्चा प्रेम हो। यहाँ पर कहानी कहती है मैं प्रेम नहीं जिद हूँ, और आपको इतना ही प्रेम है तो आप जाकर छत से नीचे कूद जाइए, बच जाइएगा तो मेरे पास आ जाइएगा, और नहीं तो इस जीवन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर रौनक कहता है कि वो भी करूँगा और मेरी इज्जत जो है उसे पूरी भी करूँगा। अब आपको बताते चले कि शो में रौनक जो है वो कहानी को किडनैप करवा लेता है। रौनक कहता है कि 20 लाख रुपए का डिमांड करने के लिए। अब आपको बताते चले कि 20 लाख रुपए भला कहाँ से कोई कहानी के लिए देगा, और यही सोचकर रौनक ने 20 लाख रुपए बोले हैं किडनैपर को मांगने के लिए। अब घर पर फोन आता है, ईरावती फोन उठाती है और ईरावती कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, आपको रखना रखिए, हटाना हटाइए, हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं और हमारे घर से झंझट चली गई है। युग को ये बात मालूम चलती है और युग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कहानी की बहन हाथ जोड़ती है सबके सामने कि उसकी बहन को बचा लिया जाए, लेकिन कोई भी नहीं बचाने के लिए आगे आता है और फिर वो खुद उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन युग उसे रोक लेता है। अब देखना दिलचस्प होता है कि आखिर युग कैसे कहानी को बचाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट तो तब आ जाएगा जब युग की माँ युग को अपना कसम दे देगी कि वो कहानी को नहीं बचाएगा। वेल, अब जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, बैक टू एनीथिंग। Yes.